महानगर के मानसरोवर स्थित श्री साई कन्या इंटर कॉलेज द्वारा 60 से अधिक छात्राओं को परीक्षा में अनुपस्थित दिखाकर फेल किए जाने के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि मुरादाबाद महानगर में श्री साई कन्या इंटर कॉलेज द्वारा छात्राओं को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अनुपस्थित दिखाकर उनको फेल किया गया है। उनके 10वीं 11वीं और प्री बोर्ड के नंबर बोर्ड की साइट पर भी अपलोड नहीं किए गए। इन सभी छात्राओं की परीक्षा फीस भी जमा है। कोरोना संक्रमण के कारण कुछ छात्राएं 1 या 2 माह की फीस जमा नहीं कर पाई, जिसको आधार बनाकर विद्यालय में छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। यह भी कहा गया कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट हाई स्कूल के 50% अंक तथा 11वीं कक्षा के 40% अंक तथा 12वीं के प्री बोर्ड के 10% अंक पर तैयार हुआ है। इन समस्त छात्राओं ने हाई स्कूल एवं 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है, परंतु फिर भी विद्यालय में किस आधार पर छात्राओं के अंक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल से जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने वार्ता भी की। प्रतिनिधिमंडल द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि गत वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया था। उसके उपरांत स्वेच्छा से अभिभावक की अनुमति के उपरांत विद्यालय आने की छूट प्रदान की गई थी, परंतु किसी भी छात्र की अनुपस्थिति नहीं लगाने का विद्यालय को शासन द्वारा निर्देशित किया गया था। इन छात्राओं ने बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा भी विद्यालय में दी थी। बिना किसी पूर्व सूचना के बिना कारण बताए इन छात्राओं को अनुपस्थित दर्शाकर तथा पूर्व की परीक्षा के बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड न करके इस विद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के भविष्य से जो खिलवाड़ किया है, ये अपराध की श्रेणी में आता है, जो बहुत ही निंदनीय है। मांग उठाई गई कि तुरंत अनुपस्थित दर्शाए गए छात्राओं के अंक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कराकर यथाशीघ्र विद्यार्थियों का रिजल्ट संशोधित कराने की व्यवस्था की जाए तथा उपरांत विद्यालय के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए दोषियों को दंडित करने तथा विद्यालय की बोर्ड से मान्यता समाप्त करने की मांग उठाई गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल से हुई वार्ता के विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया। देखिए साई कन्या इंटर कॉलेज बोर्ड बिहार मुरादाबाद, यहाँ पर 73 छात्राओं को प्री बोर्ड में अनुपस्थित होने के आधार पर रिपोर्ट भेजी गई थी विद्यालय प्रबंधन द्वारा, जिसके आधार पर वो बच्चियाँ जो 73 थी फेल हो गई, जिसको लेकर के जिलों का प्रतिनिधिमंडल हुआ। इस प्रकरण में ऑलरेडी उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा और जिला विद्यालय निरीक्षक की कमेटी बना दी गई है और आज शाम तक इनसे रिपोर्ट मांगी गई है, और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर बोर्ड को और शासन को पत्र भेजा जाएगा, और हम लोगों का प्रयास यही होगा कि बच्चों का किसी तरह से अधिकार।